सोमवार और मंगल की दरमियानी रात पंजाब के अक्सर शहरों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने जल थल किया। आंधी और बारिश ने जहां दीगर मसाइल पैदा किए, वहीं बिजली की बंदिश सरे फहरिस्त रही। फैसलाबाद के हालात भी कुछ मुख्तलिफ न थे। बारिश बरसने की देर थी कि शहरी इलाके तारीकी में डूब गए। बारिश थमी फैसको हुकाम को होश आया तो रफ्ता रफ्ता शहरी इलाकों में बिजली की बहाली का काम शुरू हुआ, लेकिन मंसूराबाद का इलाका फैसको हुकाम की आंखों से ओझल रहा, जहाँ दो रोज बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। प्राय मेहरबानी थोड़ी सी तवज्जो दे, क्योंकि गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे बहुत मुश्किल होती है। बिजली की तवील बंदिश से कारोबारी जिंदगी मुतासिर है। पानी की किल्लत ने इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर रखा है। देखिए, ये क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा, हमारी बिजली क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है, क्या नहीं है, हमें बताया जाए, हम भी कुछ अपना इंतजाम करना चाहें। इलाका मकीनों को मुश्किलात बर्दाश्त करते दो रोज गुजर गए, लेकिन फैसको हुकाम की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बारिश बाराने रहमत है, लेकिन फैसको हुकाम की नाअहली ने फैसलाबाद के शहरियों के लिए इसे जहमत बना दिया है। कैमरामैन कैसर वट्टू के साथ शिराज भट्ट, 24 न्यूज़, फैसलाबाद।